अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब चैनल मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक ऐसी ऐप्स लाए हैं जिससे आप अपनी पिक्चर को 3D पिक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो आइए हम अब चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उसको खोलना है, उसमें आपने सर्च करना है पिक्चर लैब। पिक्चर लैब आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करते हैं। अब ये ओपन हो चुका है। देखो इसमें जो सामने नज़र आया न्यू टेक्स्ट, इस न्यू टेक्स्ट को आपने ख़त्म कर देना है डिलीट की ऑप्शन से। ये डिलीट हो चुका है। तो आपने प्लस के निशान से फ्रॉम टू गैलरी वो पिक्चर इसमें ऐड करनी है जिसको आपने 3D बनाना। अब हम इसमें से कोई भी एक पिक्चर लेते हैं और इसको हम 3D बनाते हैं। ये हमने ऐड की पिक्चर और इसको हमने इधर सेंटर में कर लिया। इसके बाद आप जाएंगे, ये सेंटर वाला गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप 3D शेप का ऑप्शन है उसको आप अनेबल करेंगे। ये देखें, ये है 3D शेप वाला ऑप्शन, इसको आप अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद आप नीचे जाएंगे। ये काफ़ी जो इफ़ेक्ट वगैरह हैं आप डाल सकते हैं पिक्चर में अपनी पिक्चर के हिसाब से, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वायर रोटेशन के बारे में बताऊंगा। यह है वायर रोटेशन, इसको आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से अपनी पिक्चर के हिसाब से सेट कर लें। और उसके बाद जो है नीचे देखें, ये लाइट्स वगैरह कम तेज़ और काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं, तो फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बताता हूँ। इसके बाद आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये हमारी ये पिक्चर है 3D बन चुकी है, लेकिन अभी इसका जो है बैकग्राउंड वो ख़त्म करना है हमने। बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए इसी गोल दायरे के साथ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये देखिए सामने आ चुका है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पे आपने इस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो है बैकग्राउंड वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद रह गई हमारी पिक्चर सेव करना। सेव करने के लिए आप जाएंगे, ये ऊपर प्लस वाले के साथ वाला आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेव टू गैलरी अपनी पिक्चर को सेव कर लें गैलरी में। अब ये हमारी पिक्चर सेव हो जाएगी। उसके बाद हम जाते हैं अपनी मोबाइल की गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद हम देखें कि हमारी पिक्चर जो है वो कैसी लग रही है। ये देखें, ये हमारी पिक्चर जो 3D बन चुकी है। आप मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए और इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने जल्दी में इतना सा सिर्फ आपको बताया कि ये कैसे 3D बना सकते हैं। मैंने जल्दी में पिक्चर इतनी अच्छी नहीं बनाई, लेकिन आप लोग इससे भी अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। अल्लाह।